63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया, और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया, क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए है क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा, कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया, बता दूं। आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना, बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो चार चार कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको, औड़ी औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया, क्या कमाई हुई, क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया भाई। कोरबा वालों, इसका हिसाब किताब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है, मत देने का मौका है तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना।